अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, इस टाइम इंपॉर्टेंट है उस लड़की को जाकर रोकना, क्योंकि वो बहुत बुरा करने वाली है। हो गई, देख ली किताब। जी जी जी, लीजिए, शुक्रिया। अरे अरे, कहाँ जा रहे? वो गाड़ी रिपेयर हो गई होगी ना, तो वही लेने गए हैं। आप बुरा ना माने तो एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल करूं, आपके घर में शराब कोई पीता है? शराब? नहीं नहीं, हमारे घर पे कोई शराब नहीं पीता। अच्छा, तो फिर वो बॉटल्स किस लिए? ये सलोनी लेके आई है। वो करते हैं ना बॉटल पे पेंट करके, वो उसमें लाइटिंग लगा के फैंसी पीस बना देते हैं और बालकनी में लगाते हैं, बस वही सब। हमने उसको पढ़ाई करने से मना किया था, तो हर बात से कैसे मना कर सकते हैं। और अब वो घर की साज सज्जा में रुचि ले रही थी, तो हमने कहा चलो कर लो। अब आप इतना बात कर रही हो उनके बारे में, तो उनसे मन कर रहा है उनको देखने का। कोई तस्वीर है, दिखा सकते हैं? हाँ, फोटोज वगैरह कुछ? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, बड़ी सुंदर लग रही थी हमारी बहू शादी में। अरे ये क्या, कोई भी फोटो नहीं? फोन में चेक कीजिए, फोन में कोई फोटोग्राफ होंगी। अरे ये कैसे हो सकता है, यहां से भी सारी फोटो डिलीट हो चुकी हैं उसकी। मेरा जी घबरा रहा है, ये क्या हो रहा है? आप लोग कौन है? सच सच बताइए, क्या हो रहा है? कहीं उसका कोई पुराना चक्कर तो नहीं है? कहीं वो पहले से शादीशुदा तो नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। चलिए चलिए। सुनिए तो, क्या हो गया बेटा ये? जैन मैडम सर। पुष्पा जी, अमर विद्रोही की जान खतरे में है, हमें बैकअप चाहिए तुरंत, जल्दी जल्दी जल्दी। जी 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 मैडम सर, जी। जी संतोष शर्मा। अमर सर, लोकेशन मिल गई है। लोकेशन? संतोष, एक सेकंड सर से बात कर रही हूँ। एनके कॉलेज? जानता हूँ। थैंक यू संतोष। ही सो स्मार्ट। क्या ही सो स्मार्ट? तुम कब अपनी स्मार्टनेस दिखाओगे? कितने बार कहा है सिंगाड़े खाना बंद मत करो, जैसे ही बंद करती हो ना तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। पुष्पा जी, ऐसा क्या ही किया है मैंने? क्या किया है मैंने? अरे तुम हमारी टीम में हो और ये हम तुमको पूछ नहीं रहे, बता रहे, इसलिए दुश्मन टीम की मदद करना बंद करो। पुष्पा जी, क्या किया है मैंने? मुझे तो लोकेशन मिली थी। अरे वो तो मैडम सर को भी मिल गई है। हाँ तो टुकुर टुकुर मत देखो, चलो चीते को ढूंढो, शायद वहाँ हमारी जरूरत है। चलो 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 चलो। मैडम सर, आगे जो लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा है ना, उससे कच्ची रोड जाती जो हमें अमरसर से पहले पहुँचा देगी, ले क्या? हाँ ठीक है, चलिए। ओके, जैसा आपको सही लगे। मैडम सर, लेकिन उस सलोनी को इतनी इंस्टीट्यूट में पहचानेंगे कैसे आप? देखिए, सलोनी की माँ ने क्या कहा था कि उसकी उंगलियां जली हुई हैं। अब हम जानते हैं कि उसकी उंगलियां जली हैं बम बनाने की वजह से। वो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, इसलिए जल गई उंगलियां। अब जली हुई उंगलियों वाली लड़की को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना? अगर लड़की को बॉम्ब ब्लास्ट करने होंगे तो बॉम्ब कहाँ लगाएगी? क्लासरूम। अरे ये क्या कर रहा है अमर विद्रोही? इतने करीब से लड़की को पीछा क्यों कर रहा है?
अगर उसने देख लिया और उसने बौखलाकर बम यहीं फोड़ दिया, कुछ और कर दिया तो कैसे रोके अब इस आदमी को? सर, सर, सर। ये मेटल डिटेक्टर लेकर आए। क्या बात है संतोष शर्मा, आपने तो कमाल कर दिया, गुड जॉब। थैंक यू सर। कमान संतोष शर्मा, ऐसे ही बिजी रखी उन्हें। मैडम सर, हाँ, इस इंस्टीट्यूट का वो एग्जिट गेट होगा, वहाँ से अंदर जा सकते हैं ना? हाँ, ब्रिलियंट। चलिए चलिए चलिए, काम करिए, यहीं पे रुकिए आप लोग, जब भी कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? जी सर। एक एक करके आ जाओ, सब जी को भी अंदर जाना है। इधर से आइए, लाइन बना कर आइए। लाइन में आना जाइए। हाँ चलो जाओ। हमारे सर जी कहाँ हैं? इन्हें अमरसर से दूर रखना होगा। अरे कहाँ है सर? हाँ उधर उधर चले गए। चलिए चलिए, हम लेके चलते, चलिए। ये सलोनी आई तो फिर गई कहाँ? पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं। रुकिए तो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ भी अमरसर नहीं है। अरे तो आप जहाँ लेकर गई थी वहाँ पर भी तो अमरसर नहीं है ना, तो कहाँ है हमारे सर? आप पर एक पैसे का भरोसा नहीं, मैं खुद ही अमरसर को फोन करके पता कर लेता हूँ। कितनी धूप है, हमें तो चक्कर आ रहे हैं। अगर अमर विद्रोही ने इसे सबके सामने पकड़ लिया तो ये ब्लास्ट कर सकती है। मैडम सर, इस अमर विद्रोही को रोकना होगा। करिश्मा सिंह को सोचिए क्या करें। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। चलिए। कहाँ जा रहा है सर? संतु जी, आपको नहीं लग रहा क्लास कुछ जल्दी ही खत्म हो गया? देखिए सब तो जा रहा है सर। बाबू रे, हाँ खबरदार, अगर आप लोगों ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैंने बम लगा के रखा है, मैं कभी भी उसे ब्लास्ट कर सकती हूँ, सबके सब मरेंगे। तो फोड़ो ना, ब्लास्ट कर दो बम, मार दो सबको। पुलिस वाले हम, खाकी और कफन हम साथ में लेते हैं, ऐसी धमकियों से अगर हम डरने लगेंगे तो फिर हो गया हमारा नौकरी। और तुमको एक बात और बता दे, तुम ब्लास्ट करोगी ना तो हम तो मरेंगे मरेंगे, लेकिन साथ में तुम भी मरोगी, और हम बिल्कुल तैयार है मरने के लिए। क्या तुम तैयार हो? बोलो तैयार हो। सलोनी, हम जानते हैं कि तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो और तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मजबूरी साफ साफ नजर आ रही है, तो इससे अच्छा ये सारा ड्रामा करने की बजाय, ये बेवकूफी करने की बजाय बता दो कि तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? तो और मैं क्या करती? हाँ, क्या करती मैं पढ़ना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी। मैंने अपने माँ पापा से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरी अभी शादी मत कीजिए, मुझे पढ़ना है। उन्होंने कहा शादी कर लो, लड़का अच्छा है, शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना। झूठ बोला मुझसे और मेरी शादी करवा दी। जब ससुराल गई तो पता चला कि पढ़ने का अधिकार तो सिर्फ मर्दों को होता है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई बस वक्त और पैसे की बर्बादी मानी जाती है और कुछ नहीं। कितनी मेहनतें की थी अपने सास के सामने, अपने पति के सामने कि प्लीज मुझे पढ़ना है आगे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे पढ़ने नहीं दिया। घुटती थी मैं उस माहौल में, अपने आप से अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों मरूं, मरना ही है,
तो कुछ ऐसा काम करके मरूं जिससे ये समाज उन औरतों को भी इज्जत दे जो मेरी तरह ऐसे घुट घुट कर मरती है हर रोज। मरूं तो उन मर्दों की आंखें खुले जो शिक्षा को सिर्फ अपना अधिकार समझते हैं और साथ साथ उनके घर पे रहने वाली औरतों की भी, जिन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए होती है, अच्छा नाम अच्छा जॉब सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं लड़कियां नहीं, और बॉम्ब रखने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में शामिल होकर चोरी से मैं क्लास में आती। तो इसीलिए उस दिन जब तुमने पहली बार फोन किया धमकी देने के लिए, तो तुमने जिद की कि तुम अमर विद्रोही से ही बात करो, क्योंकि वो मेल पुलिस ऑफिसर है और तुम उन्हें नीचा दिखाना चाहती थी। जी, बम लगाने का इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन महिला पुलिस के पास आने का एक छोटा सा आसान सा कदम नहीं उठा पाई तुम। आती ना हमारे पास, उस पर कुछ कुछ सोचते कुछ करते, इस तरह का इतना बड़ा बवाल तो नहीं होता। आपको क्या लगता है अगर मैं पुलिस स्टेशन आती तो मेरे ससुराल वाले मेरे माता पिता को शांति से जीने देते? नहीं, वो उन्हें ताने मार मार कर मार देते। तुम्हारी वजह चाहे कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, तुम्हारा जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। तुम ये सब इतने तमाशे नहीं कर सकती। किसी भी मुश्किल का सलूशन ढूंढने के लिए बहुत पेशेंटली और समझदारी से डील करना पड़ता है। उसे जितना खींचोगे वो उतना ज्यादा उलझता जाएगा। तुम पढ़ाई करना चाहती हो, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसी कोई बेवकूफी करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। मैम, मुझे बस मेरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे ससुराल वाले और मेरे पेरेंट्स कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। तुम्हें पकड़ पाएंगे तभी तो रोक पाएंगे। भाग जाओ, ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ढूंढ ही ना सके। एक मिनट मैडम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे आप इसको जाने देंगे तो हम दोनों सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमने इस वक्त अगर इसको पकड़ लिया तो हमें इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी और फिर तो इसका फ्यूचर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम पर भरोसा रखिए, हम भी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, रिलैक्स। ठीक है, बस 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 बस, अब रोना बंद करो, उठो, हमारी बात ध्यान से सुनो। जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करोगे। यहाँ से कुछ दिनों के लिए भाग जाओ, कोई फोन मैसेज सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं, किसी से कोई बात नहीं करना, समझ में आया? ये लो, ये हमारा मोबाइल नंबर है, दो दिन बाद इस नंबर पर हमें फोन करना। तब तक हम जो है तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारा हॉस्टल वगैरह इस सबका इंतजाम करते हैं, ठीक है? पर मैम, एडमिशन में तो बहुत खर्चा लगेगा। उस सब की चिंता तुम मत करो, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तुम पढ़ाई करो। मैम, मैं पार्ट टाइम जॉब करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, वो सब तुम करती रहना, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से निकलो, चलो। एक मिनट, वो बम बारूद वो सब कहाँ रखे तुमने? हाँ, वो जहाँ पर हम छुपे थे टीचर के टेबल के नीचे, वहाँ पर ही है। ठीक है, चलो चलो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ, चुपके चलो। दीवान जी, हर एक की चेकिंग कीजिए, किसी को छोड़ना मत, और इनमें से किसी के पास कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो मुझे बताइए। क्या समझे? समझ गया सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबका एक्सरे लेके छोड़ूंगा, अभी शुरू करता हूँ। कोई नहीं जाएगा सर, इधर आइए, आइए इधर, बैग चेक कराइए। सुनिए, क्या नाम है आपका? उर्मी, उर्मी बंसीलाल। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है, अंदर क्या कर रही थी आप? इधर मेरी तरफ देखिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। वो मैं अंदर। हाथों में क्या हुआ आपके? हाथ दिखाइए जरा, हाथ दिखाइए अपने। हाथ दिखाइए अपने। ये लड़की बिल्कुल ठीक है, हमने खुद इसे चेक किया है, क्लीन चिट दिया है, ये ठीक है, तुम जा सकती हो। रुको, पुष्पा जी। जी सर।
इनकी चेकिंग करिए। अरे क्या जरूरत है चेक करने की, हमने कहा ना हम चेक कर चुके हैं। पुष्पा जी ने चेक कीजिए। जी देखा क्या कहा था हमने, खामखा हर बात पे अकड़ दिखाना जरूरी नहीं। कुछ कहा आपने? जी बॉम्ब स्क्वाड को बुलाइए, सारे बॉम्ब अंदर क्लासरूम में बरामद हुए हैं। आप लोग सेफ हैं, आप लोग जा सकते हैं। जाइए, चलो जाइए, जाओ जाओ, जाइए जाइए, निकल जाओ सब। और वो लड़की? वो तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम इन सबकी जान तो बच गई। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं हसीना मलिक। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक से आप उस लड़की को इतना फेवर करने लगी हैं, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है ये वही लड़की सलोनी है जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं। तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसीलिए अरेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें उसके पास कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि थ्रेट कॉल्स करने वाली वही लड़की है। आप मुझे बताएंगे आप उसे इतना फेवर क्यों कर रही हैं? महिला पुलिस थाना और मेल पुलिस थाने के बीच का फर्क आपको समझाने के लिए, क्या है ना कि आप लोग पहले जुर्म देखते हैं और फिर मुजरिम को समझते हैं, लेकिन हम पहले मुजरिम को समझते हैं और फिर उसके जुर्म को देखते हैं। अच्छी फिलॉसफी थी, मेरे लिए तो बाउंसर थी, शायद डीएसपी सर को समझ आ जाए। का? अब आप उन्हें समझाइएगा अपने ये अजीबोगरीब फलसफे। अब हम डायरेक्ट उन्हीं के ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट देने। झूठ है, ये सच है, ये झूठ है, यही सच है सर। क्या सबूत है आपके पास? हर सच को सबूत की जरूरत नहीं होती, कुछ सच चेहरे भी बयां करते हैं। अगर शायरी का इतना ही शौक है ना तो किसी मुशायरे में जाइए, ये पुलिस थाना है, यहाँ पर इल्जाम के साथ साथ सबूत भी लगता है। अच्छा, तो क्या ये सच नहीं कि आपने जानबूझकर उस बॉम्ब थ्रेट वाली लड़की को कॉलेज से निकाला, अपने फर्ज अपने ड्यूटी के साथ चीटिंग की, आपने एक क्रिमिनल का साथ दिया? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है, इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं, आप इल्यूजन में जी रहे हैं। देखिए आप, अरे शांत हो जाइए, देखो पटर 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 कब से लगा के रखा है आप लोग। सॉरी सर। अरे ना तो सुनने दे रहे हो ना तो खाने दे रहे हो, पूरा टेस्ट खराब कर दिया हमारा। वही तो कह रहा हूँ सर, पूरी बात का टेस्ट ही खराब कर दिया। अरे समोसे का टेस्ट खराब कर दिया आप लोगों ने। सर माफ कीजिए, लेकिन ये इंसान यहाँ खड़ा होकर हमारे ऑनेस्टी पर, हमारी ड्यूटी पर, हमारी कैपेसिटी पर शक कर रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे, ये इंसान ये सब कह रहा है? क्योंकि सर भी जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, आपने काम ही ऐसा किया। How dare you touch my finger? देखा सर, औरतों की इक्वालिटी का झूठा ढोंग, ऐसे तो इन्हें कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, थोड़ी सी उंगली टच हो गई तो ऐसे तमाशा कर रही है जैसे इनकी रियासत पर किसी ने हमला कर दिया हो, जबकि आपने खुद देखा सर पहले उंगली इन्होंने दिखाई मुझे। तो क्या करें, उंगली तोड़ दे? अरे आप तो चुप हो जाइए, हमारे लिए नहीं तो कम से कम भगवान के लिए चुप हो जाइए। अरे अच्छे खासे मच्छी बाजार को ऑफिस बना दिया, देखा देखा हमारा भी दिमाग खराब हो गया, अच्छे खासे ऑफिस को मच्छी बाजार बना दिया। अच्छा ठीक, आपका कहना ये है कि इन्होंने संदिग्ध लड़की को भगा दिया, राइट? रॉन्ग सर। अच्छा इस बात का आपके पास कोई प्रमाण है? प्रमाण ये खुद खड़ी है ना सर, एक काम करते हैं पोलोग्राफी टेस्ट करवाइए ना इनका, सारा सच खुद ब खुद इनके सामने आ जाएगा। और उसके बाद भी ये निर्दोष साबित हुई तो मैं ये थाना छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा सर। लेकिन सर अगर मेरा कहा सच निकला और ये साबित होता है कि इन्होंने उस लड़की की मदद की है तो फिर सर? तो इन्हें वो थाना छोड़कर जाना पड़ेगा सर। बोलिए मंजूर है? जाओगे तो तुम्हें। हमें मंजूर है सर। तो ठीक है, हो गया फैसला, हम पॉलीग्राफ टेस्ट की ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और तब तक आप महिला पुलिस थाने का कोई भी केस सॉल्व नहीं करेंगे सर। लेकिन ये हमारा आदेश ही नहीं प्रोटोकॉल भी है। यस सर।
हाँ सर, अभी आया। आते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सच कहूं तो आपसे मिलकर मुझे लगा था ये खेल थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगा। आप उन लोगों में से नहीं है जो इतनी जल्दी गिव अप कर दें। टाइम लगेगा आपसे थाना वापस लेने में, आपको हराने में। लेकिन अफसोस, आपने तो मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया हसीना मलिक। अब जाइए, जाकर अपना बोरिया बिस्तर पैक कीजिए, क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं इस टेस्ट में तो आप फेल ही होंगी। और आपका वो फेमस डायलॉग क्या है? हाँ, तजुर्बा कहता है हमारा। लेकिन अब से पूरा लखनऊ सिर्फ एक ही डायलॉग सुनेगा, अमर विद्रोही का डायलॉग। तजुर्बा हुआ पुराना, क्योंकि अब है लॉजिक का जमाना।